हाय एवरीवन, रेसिपीज बाय ऋतुजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्रियन स्टाइल से आड़ू वड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है, टिप्स के साथ इसे शेयर करूँगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक क्विक पाव भाजी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरबी के पत्ते, जिसे हम मराठी में अड़ूची पाने बोलते हैं, तो दो जुड़ी मैंने पत्ते लिए हैं। एक जुड़ी में 5 पत्ते हैं और दूसरी जुड़ी में 4 पत्ते हैं। तो इस तरह के ये छोटे साइज़ में भी होते हैं, बड़े साइज़ में भी होते हैं। पत्ते हमेशा देखकर ही लेने हैं। अच्छे पत्तों के साइड में ब्राउन कलर की बॉर्डर होती है और इसके डंडल हमेशा ब्राउन या फिर रेड कलर के ही होने चाहिए। बहुत से पत्ते ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे गले में इचिंग हो सकती है, तो ये दोनों देखकर ही आपको पत्ते लेने हैं। सबसे पहले पत्तों को मैंने वॉश करके लिया है। वॉश करने के बाद इसके जो डंटल है वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह के ये जो डंटल होते हैं वो आप नाइफ से आराम से निकाल सकते हैं। अब जहाँ पर आपको लगता है कि इसके थोड़े से बड़े शिरे हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पत्तों से निकाल दिए हैं, डंटल भी और इसके शिरे भी। तो इसे हम एक नैपकिन से पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी पत्ता फ्लैट नहीं है, तो इसे फ्लैट करने के लिए आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार इसके ऊपर बेलन चलाइए, ये पत्ता फ्लैट हो जाएगा। सारे पत्ते इस तरह से ही तैयार करके लेते हैं और ये हमारी पत्तों की तैयारी हो चुकी है। अब बना लेते हैं इसका बैटर। इसका बैटर जो होता है वो बेसन का होता है। तो एक बड़े से मिक्सिंग बोल में हम 3 कटोरी भर के बेसन ले लेते हैं। बेसन को मैंने पहले से अच्छे छान कर लिया है ताकि वो थोड़ा सा लम्स फ्री बने। तो मैंने एक्यूरेट आपको क्वान्टिटी बताई है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने 2-3 चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से आलू वड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, आप ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ली है, फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत ही पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा और वड़ी में ये टेस्टी भी लगते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। पहले हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 1 कटोरी इमली और गुड़ का पल्प लिया है। पल्प बनाने के लिए जितने हमने इमली ली है उतना ही गुड़ लेके उसे 10-15 मिनट गर्म पानी में भिगो कर रखना है और फिर हाथों से ही उसका पल्प निकालना है। पल्प डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करेंगे। तो हाथों का इस्तेमाल करके बैटर को बनाइए। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। आप इससे थोड़ी सी पतली वाली कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं। पल्प के जगह आप नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं वो खुजली वाले होते हैं और इसे अवॉइड करने के लिए हमें कुछ खट्टा इंग्रेडिएंट यूज़ करना पड़ता है। तो आप नींबू जूस या फिर इमली और गुड़ का पल्प ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं वड़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का पत्ता लेंगे, उसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने बेसन का घोल बना कर रखा था वो लगाएंगे। तो इस तरह से हमें उंगलियों से ही स्प्रेड करते जाना है। बैटर को इवनली लगाएंगे और उसके बाद एक दूसरा पत्ता उल्टा रख कर उसे अगेंस्ट रखेंगे, मतलब कि जो पहला वाला पत्ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पत्ता रखेंगे। अब दूसरे पत्तों पर भी हम इस तरह से बैटर लगाएंगे। पत्ते साइज़ में बड़े होने की वजह से मैंने एक रोल 4 पत्तों का बनाया है। आप एक रोल कितने भी पत्तों का बना सकते हैं लेकिन 4 पत्ते सफिशिएंट होते हैं। अगर आपके पत्ते साइज़ में छोटे हैं तो आप 5 या फिर 6 पत्तों का बनाइए। अब उसके बाद ये जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं वो हम फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने पत्तों को फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बैटर लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर लेना है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बैटर लगा लेते हैं। यही प्रोसेस आप ऊपर से भी कर सकते हैं। मैंने नीचे से फोल्ड किया था तो नीचे से मैं रोल करते जाऊंगी। इस तरह से टाइट रोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टाइट रोल तैयार कर लिया है। इसकी साइड में भी थोड़ा सा बैटर लगाएंगे।
और अगर आपको लगता है कि ये साइड से थोड़ा सा ओपन है तो आप इसे थोड़ा सा अंदर दबा भी सकते हैं। दो रोल मैंने तैयार करके लिए हैं, अब चलते ही इसे स्टीम करने के लिए। तो एक छन्नी को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर बनाए हुए रोल रखेंगे। पतीले में थोड़ा सा पानी लिया है, पानी को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। पानी जब गर्म हो तब हम इसके ऊपर रोल वाली छन्नी रखेंगे और इसे ढक कर रखेंगे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में हाई फ्लेम पर रोल स्टीम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे रोल स्टीम होकर तैयार है। इसे पहले हम ठंडा होने देते हैं, कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे। अब ये रोल ठंडे हो चुके हैं। एक नाइफ को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा कर लिया है ताकि कट करने में आसानी हो। पहले हम इसके साइड्स को हटा देते हैं और फिर हम इसे मीडियम साइज़ में कट करेंगे। ज़्यादा पतली वाली बड़ी मत बनाइए। कट करने के बाद इसे हमें शैलो फ्राई कर लेना होता है, सफ़ेद तेल में शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्राई नहीं करना है, इसे और हेल्दी बनाना है, तो आप इसे ऐसे ही स्टीम किया हुआ खा सकते हैं। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो शैलो फ्राई करने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम तेल डालेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और फिर एक एक करके इसके ऊपर बड़ी छोड़ेंगे। और इस तरह से पहले हम एक बैच को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बैच फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसकी टेस्ट वड़ी के साथ बहुत ही अच्छी आती है। एक साइड को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे टर्न करते हैं तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और थोड़ा सा तेल छोड़ना चाहिए तो आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने इसे फ्राई कर लिया है तो टोटल मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर आलू बड़ी फ्राई होकर तैयार है। चावल का आटा यूज़ करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और जो हमने घोल बनाया था उससे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप अगर बताए हुए क्वांटिटी में चीज़ें लेंगे तो आपकी आलू बड़ी 100% टेस्टी बनेगी, सुपर टेस्टी बनेगी। आज हमने इसे महाराष्ट्रियन स्टाइल से बनाया है तो आप भी बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।